धारक हुआ है तो भगवान को छोड़ के अनशन संभव। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो जो हमारा विषय नहीं जानता, जाने तभी तो प्रपत्ति है, प्रपत्ति जानते जो जानता है कि जैसे भगवद गीता में बताते बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रबद्धते, जो भगवान का चरण में आत्मसमर्पण कौन कर देता है, जो अनेक जन्म का भाव बहुनाम जन्म नाम अंत, जब वो ठीक ठीक समझता है कि कि भगवान विभु और मैं अनु हमारा उचित है कि भगवान का चरण में शरण लेना, भगवान जी खुद भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक अनुसरण, वो काम मनुष्य मनुष्य के ये काम नहीं है कि स्वर का ऐसे दिन भर परिश्रम करे और फिर वही गू खाए या गू बनाने का चीज खाए और मस्त रहे, ये मनुष्य काम है। इसलिए कहते हैं नायन देह देह भाजान निलोक, स्पेशली कुत्ता भेड़ी सुअर अगर ऐसा परिश्रम करते हैं भोगता है दिन भर, वो उसका उपाय नहीं है क्योंकि वो कुत्ता बना है। और मनुष्य हो के बदली हम लोग कोई कुत्ता ही बनाना है, सुअर बनाना है, ये तो हम मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं। नायन देह देह भाजान निलोक देव भाजा, देव भाजन का अर्थ होता है जो भी ये भौतिक शरीर ग्रहण किया भूमि रापहना वाला, ये जड़ शरीर जो है ये भूमि अपहनन वायु मट्टी है, जल है और अग्नि है, आयु वायु है और आकाश है, ये जड़ है। और इसका भीतर सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और वो सूक्ष्म शरीर जो धारण करते हैं वो जीवन, ताकि कोई तो फंस जाते हैं ये जड़ शरीर में और कोई फंस जाते हैं वो सूक्ष्म शरीर में, और असल जो शरीर है उसको कोई जानता नहीं, मूढ़ा ना भी जाना थी मामी पपरों, इसलिए उसको किस तरह से आदमी समझ सकता है तो उसके लिए विषय से बताते हैं तप तपसा ब्रह्मचर्य न जमे न नियम न वा त्यागे न सत्य सौतव्या, और एक जगह में भगवान यह गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी महाराज को ये प्रोसेस, कुत्ता भैरी का ऐसे रहने से कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, और तपस्या करने से तपस्या ब्रह्मचर्य और ट्रूथफुलनेस सत्य शौचम क्लीनलीनेस शुचि, इसीलिए ब्राह्मण का नाम है शुचि, और जो ब्राह्मण नहीं है वो मुची शुचि है मुची, तो मुची कौन है जो भगवान का संपर्क छोड़ दिया वो मुची है, खाली चमड़े का मुची एक्सपर्ट होता है, चमड़ा समझता है ये गाय का चमड़ा है ये भैंस का चमड़ा है ये छाल का चमड़ा, तो जो चमड़े में बद्ध हो गया ये मैं ये चमड़ा इंडियन है ये चमड़ा अमेरिकन है ये चमड़ा हिंदू है ये चमड़ा मुस्लिम है, वो मुची ही रहेगी तो सूची नहीं, हाँ सूची तो तब होगा जब वो समझेगा अहं ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है आत्म वस्तु है परमात्मा का अंश है, तब वो ब्राह्मण होगा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को समझता है ब्रह्म ज्ञान जिसको लाभ हुआ है वो ब्राह्मण, जो शरीर से अपने को आइडेंटिफाई करता है वो तो चमड़ा का एक्सपर्ट हो गया मुची हो गया, मुची का माने टेलर एक्सपर्ट, हम लोग मुची बोलते हैं आजकल का अच्छा लैंग्वेज में बोलता है टैनरी एक्सपर्ट, टैनरी एक्सपर्ट बोले क्या काम करते हो हम टैनरी एक्सपर्ट, तो बहुत भारी पोस्ट है और नहीं तो क्या है मैं मुची है, तो मुची बोलने से तो बिगड़ जाएगा, और टैनरी एक्सपर्ट है 4000 रुपया तनख्वा मिलता है ठीक है गणमान्य है ये सब चलता है, तो
ये ऋषभ को कहते हैं कि वो टैनरी एक्सपर्ट नहीं है, कपो तपस्या करो, वो ब्राह्मण का कपो तपस्या, तपस्या पहली चीज है मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन का अर्थ ही होता है तपस्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और सब जीवन में, कुत्ता जीवन में, सुअर जीवन में वही चार काम कि आहार निद्रा भय मैथुनम, आहार करो खुश हो और खूब इंद्रिय तर्पण करो, और किस तरह से दुश्मन से बचाने उसका कुछ उपाय करो। भय भय तो रहेगा सब समय, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक भय रहेगा, और निर्भय अभय अनुसत्त संशुद्धि भगवद गीता, ये तपस्या है तो भय नहीं रहेगा। और सत्ता संशुद्धि, सत्ता का अर्थ होता है जो हमारा एग्जिस्टेंस, तो वो तो क्यों होता है, हमको मरने पड़ता है, ये सब सोचना चाहिए। तपो दिग्बम तपस्या करें, बहुत तकलीफ उठाना, ये बहुत ही काम में भी होता है, कोई बड़ा साइंटिस्ट डिस्कवर करता है वो भी तपस्या करता है, वो बिना तपस्या से कोई नाम ज्यादा साइंटिस्ट और कुछ डिस्कवर बहुत करते हैं। जैसे कल हम लोग आ रहे थे बम्बई से, वो पायलट मिस्टर भट्टाचार्य, वो थोड़ा हम लोग को खातिर करके उनका कमरे में जहाँ पायलट में सब दिखाया, किस तरह से उतरता है, किस तरह से उठता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक मेथड सब है, एक बटन तीन तो सब बटन बटन है, यही तपस्या है। नहीं तो फास्टर जैसा वंडरफुल मशीन, तो ये भी तपस्या है। तो आदमी आजकल भौतिक जगत में इसी तपस्या में लगे हैं। बाकी शब्द कहते तपो दिव्यम, इसके लिए तपस्या नहीं, कारीगरी ये तपस्या नहीं। पहले ये सब आश्चर्यजनक सब एरोप्लेन विमान और अच्छा अच्छा मकान तो शास्त्र में है कि विमान लोग बनाते, विमान ब्राह्मण नहीं बनाते, ब्राह्मण का काम था तपस्या और भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान, वो तपस्या के लिए बजाते, जो आश्चर्यजनक एरोप्लेन बनाना, वो एरोप्लेन बनाया बड़ा आश्चर्यजनक है, बाकी बड़ा रिस्की है, एक बटन का छोड़ करके और एक बटन दाब दो तो बस काम करना, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसमें कारीगरी है अवश्य है, बाकी वो कारीगरी वो संपूर्ण नहीं है। तो ये सब कारीगरी, भौतिक कारीगरी जो है इसको भी चाहिए, बाकी इसका पीछे जो असल कारीगरी है कि अपना सत्य शुद्धि तो सत्या, जिसमें सत्ता शुद्ध हो जाए वो असल कारी, सत्ता शुद्धि तो सत्य। तो मनुष्य जीवन एक काम है कि सत्ता को शुद्ध करना, जो मैं जो नहन नते हन्न माने शरीर, ये शरीर छूट जाने से मैं मरता नहीं, मैं जीवित रहता है, तथा देहांतरम प्राप्त ये और शरीर, ये जो बॉडरेशन है इसको समझ लो। देखिए ये बंगला में हम लोग बैठे हुए हैं और इसमें कोई पेड़ भी है, दस हाथ दूर में एक पेड़ है, हम लोग इधर कमरे में अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, ताकि वो पेड़ दस हाथ दूर से दस इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, दस इंच। ये भी एक जीवन है, ये भी एक जीवन है, क्या इस प्रकार जीवन मिला, मेरे को सत्ता शुद्ध नहीं, वो नीचे गिरते 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 ये पेड़ का जन्म मिल जाता है, फिर उसका चलना फिरना ही बंद हो जाता है, और एक जगह खड़ा होकर उसको रहने पड़ता है, ये सब देखना चाहिए क्या हुआ। हमको भी हो सकता है, इसका उदाहरण बहुत है, जैसा जमलार्जुन देवता का संतान था, ताकि वो पशु का ऐसे व्यवहार किया तो नारद मुनि उनको कष्ट किया, ये तो पशु होने जाता है तो इसको थोड़ा शासन कर, तो उसको बोला तुम्हारा जब ऐसा पशु का ऐसा नजर है तो वो लोग नंगा होकर के और अफसरा लोग को लेकर के वो सब मजा कर रहे थे,
तो नारद मुनि उधर से जा रहे थे, तो अप्सरा लोग तो कपड़ा अपड़ा संभाल लिया, बाकी ये लोग शराब पी करके इतना मौत था तो देखा ही नहीं, नंगा ही रह गया। तो नारद मुनि देखा जैसे इतना बड़ा मूर्ख हो गया, देवता का घर में जन्म होते हुए भी इसको कुछ शासन करने के लिए, तो उसको अभिशाप दिया, तुम वृक्ष जमी जाओ, तुम नंगा होकर के रास्ता में खड़ा रहो, कोई भी देखे कुछ लज्जाहीन, तो वृक्ष जन मिलता है जो बिल्कुल लज्जाहीन हो जाता है उसको वृक्ष जन होता है। हरे 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 राम।